मैंने आप लोगों को बताया था कि 2022 में अब आप होंडा की किसी भी बाइक या स्कूटर को 100 ml या 200 ml पेट्रोल में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं टेस्ट करने के लिए सरदार होंडा अयोध्या उत्तर प्रदेश में आया हूँ और मैं चेक करता हूँ कि क्या ये होंडा साइन 125 जो कि BS6 है, बिल्कुल 2022 मॉडल है, क्या ये स्टार्ट होगी या नहीं होगी। इसमें बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है, इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाऊँगा प्रूफ और मैं आपको दिखाऊँगा कि ये 100 ml मात्र आप देख सकते हैं 100 ml पेट्रोल है और इसी में हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप देख लें कि पेट्रोल टैंक में कुछ भी नहीं है और आप जानते हैं कि जैसे आप पहले देख लें भाई, बिल्कुल कुछ नहीं है, हिला के सुनाओ। और आप जानते हैं कि जैसे अगर किसी BS6 बाइक में पेट्रोल नहीं रहता है तो कोई भी शोरूम हो या कोई भी हो तो वो उसमें बिना पेट्रोल डाले किक मारकर नहीं दिखाते हैं, कहते हैं कि नहीं स्टार्ट करो नहीं तो ख़राब हो जाएगा फ्यूल पंप या फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बिना पेट्रोल की इस बाइक को सेल्फ लगा के भी दिखाता हूँ और किक से भी राहुल स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो ज़रा शुरू करो भाई, मैं खुद कर देता हूँ, उधर से साउंड सुना देता हूँ क्योंकि इसमें साइलेंट स्टार्ट है तो आपको शायद सुनाई नहीं देगा। ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है, आप सुन सकते हैं क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं है। मैं किक भी मार के दिखा देता हूं आपको, यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल नई बाइक है, अभी ये चली नहीं है और ये स्टार्ट नहीं हो रही है। राहुल किक मारो, तो ये स्टार्ट नहीं हो रही है दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया। और यहाँ पर सब कुछ ऑन है, यहाँ पर आप देख लो प्लग वलग की कैप लगी है, नहीं तो आप कहीं कहो कि भाई सब कुछ निकाला है, ये देख लो आप बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अब राहुल इसमें 100 ml पेट्रोल डालेंगे, ज़रा राहुल इसके अंदर पेट्रोल डालो और स्टार्ट करो। अब आप जानते हैं, एक मिनट, जब 100 ml पेट्रोल आदमी के पास पेट्रोल कम होता है तो वो साइड स्टैंड पर डालता है जिससे जिस तरफ पंप लगा होता है उस तरफ आ जाता है। ज़रा उतार दो एक बार, बाइक को उतार के इधर को खड़ी कर दो। वैसे पहले हम सेंटर स्टैंड पर ही डाल के देखते हैं, ऐसे डालो, ऐसे डालो, सब हर तरीके से चेक करेंगे ना। और इसमें पेट्रोल पड़ चुका है, वीडियो कट नहीं करूंगा कहीं भी। फिर से एक बार स्विच ऑन स्विच ऑफ और फिर से स्टार्ट करो और आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट हो चुकी है। और ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है, ज़रा एक्सीलरेट करो राहुल। और फिर से एक बार स्टार्ट करो, वीडियो मैंने कहीं भी कट नहीं की है, आप लोगों का ट्रस्ट इसीलिए रहता है हमारे ऊपर। आप लोग देखेंगे सेल्फ, सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो रही है। फिर से दिखाओ, मैं दूर से, हाँ बाइक बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्ट हो रही है। राहुल जरा किक स्टार्ट करके दिखा दो, दूर हो जाता हूँ मैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, हाँ अब दिखाओ जरा, बंद करो, एक्सीलरेट करो, हाँ अब बंद करो, फिर से स्टार्ट करो। आपने देखा कि बाइक स्टार्ट हो रही है और मैं फिर से दिखा दूं कि अब आपको हो सकता है इसमें पेट्रोल दिखेगा। क्या आप देख सकते हैं 100 ml पेट्रोल दिख रहा होगा आपको, बहुत ही आसान आप देख सकते हैं। तो 100 ml पेट्रोल में भी होंडा की बाइक और स्कूटर स्टार्ट होते हैं। और जितना मैं किक मार रहा हूँ, अगर मैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी शोरूम में गया होता और 100 ml पेट्रोल उसमें पड़ा होता तो हर शोरूम वाली ये मना करते कि भाई अभी मत स्टार्ट करो क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल कम है। लेकिन होंडा के शोरूम में मुझे ऐसा नहीं कहा गया, इन्होंने खुद जैसे इस चीज़ को कहा कि आप इस चीज़ को करके दिखाओ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अब आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, जैसे पंप ख़राब हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, सारी चीज़ें इसमें अब ज़्यादा बेटर हो चुकी हैं। और भाई इसकी प्राइस बता दो ज़रा, भाई प्राइस क्या है इसकी? कंप्लीट ऑन रोड, हाँ ये आपकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस जो है लगभग 92,000 हैं, ये जाएगी आपकी कंप्लीट ऑन रोड जाएगी
85,505 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। माइलेज लगभग 60-65 की या उससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर आप सही चलाएंगे। मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी और प्रूफ दिखाया कि ये बाइक स्टार्ट हो सकती है होंडा की। तो इस समय मैं सरदार होंडा पे हूँ। अगर आपको होंडा की किसी भी बाइक या स्कूटर को ख़रीदना है, आप अयोध्या से हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं सरदार होंडा अयोध्या उत्तर प्रदेश में। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।